हेलो बच्चों, लेट्स सी टुडेस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड पी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ probability distribution of random variable is 1। अगर हमें ये पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है कि सारी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज का सब 1 है, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी when x is 0 plus probability when x is 1 plus probability when x is 2 plus probability when x is 3 plus probability when x is 4 is equal to 1। तो ये हो जाएगा 0 plus k plus 4k plus 3k plus 2k equal to 1, और हमारे पास फाइनली आ जाएगा 10 k इक्वल टू 1 और k विल बी 1/10। ये हमारे k की वैल्यू आ गई। दिस इज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें k निकालना था। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगी 0 प्लस k प्लस 4k, दिस विल बी 5k, और हमने k की वैल्यू अभी निकाली थी विच वॉज 1/10। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/10 यानी कि 1/2। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 इज 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है टू द पार्ट 2। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।